आगे हम एक एप्लीकेशन फॉर्म सीखेंगे बेस फॉर्म से, रूट फॉर्म से प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी ऐड कैसे करें और पास्ट पार्टिसिपल ईएन कैसे करें। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे हम ये पैट, पुट, सिट, काट, क्लैप, स्लिप। यहाँ पे देखिए कुछ जगह में लास्ट में लेटर टी है, देखिए, और कुछ जगह पी है, इसको मार्क करो। और ये छोटा वर्ड है इसके पहले वाला लेटर एक वावे यही है, यू है, आई है, इस तरह एन में टी है और पी है, उसके पहले वाला लेटर वावेल है, सब जगह नहीं कुछ जगह। तो आप क्या करना, जैसे पैट, पैट के लास्ट में टी है, ये एक सिलेबल है, एक पद, ज्यादा बड़ा नहीं। तो आप क्या करना, वो टी को और एक बार लिखना, तब आईएनजी ऐड करना। जैसे पैट का क्या हो जाएगा, पैटिंग, टिकी आएगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और पास्ट पार्टिसिपल बी ए टिकी ई बी पैटिंग, यहाँ पे ईटी बैठ कर वो। अब आते हैं पुट को, पुट के एंड में टी है, एक सिलेबल वाला वर्ड है, छोटा सा पद है, और उसके पहले यू है, तो क्या करना, आप और एक टी यूज करना और आईएनजी लिखना, पुट पुटिंग। ठीक है, ठीक है, ये पर पांच पार्टिसिपल पुट का पुटिड नहीं होगा, इसको याद रख, वैसे पुट पास पुट है, पास पार्टिसिपल भी वही पुट है, जैसे पैट का पैटिड है, पुट का पुटिड, ऐसे नहीं। ठीक है, अब आते हैं सिट को, सिट के एंड में एक सिलेबल, सिट एक सिलेबल वर्ड है, एंड में टी है, तो आप क्या करना, उसके पहले एक वावेल है, आईएनजी ऐड करेंगे कैसे, और एक टी यूज करना, एस आई टी टी आई एन, सिटिंग। ठीक है, और इसका पास्ट पार्टिसिपल सिटेड नहीं होगा, सैड, एस ए, इसके बाद। ठीक है, काट, काट एक सिलेबल है, लास्ट में टी है, उसके पहले यू, तो क्या करेंगे, और एक टी ऐड करना, कैसे लिखना, सी यू टी टी आई एन, कटिंग। देखो कैसे हो गया, क्लियर। पर इसका पास्ट पार्टिसिपल में टिकी यदि वाला नहीं कर दू, कटिंग हो जाएगा, हाँ वैसे ही कट रहेगा, जैसे पुट का पुट, कट का वैसे ही कट, पास्ट पार्टिसिपल। अब आते हैं क्लैप, क्लैप के एंड में टी है, उसके पहले एक सिलेबल है, ये ट्रिपल वर्ड, उसके पहले वाला वॉवेल है, तो आप और एक टी यूज करना, सी एल ए टी आई एन, क्लैपिंग, एक एक्स्ट्रा पी यूज करेंगे आई एन जी। और पास्ट पार्टिसिपल ऐसे ही, और एक टी यूज करेंगे ई टी, क्लैप, क्लियर हो। अब आते हैं स्लिप, ऐसे लाइन की, और एक स्लीप है सोना, एस एल ई पी, वो अलग है, वहां पे आप टी और एक यूज नहीं करते, यहां करना है। ठीक है, एस एल आई पी, तो एक पी और ऐड करना, आई एन जी, स्लिपिंग, स्लिपिंग, फिसल जाना। ठीक है, और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी वैसे ही रहेगा, ये भी यूज होगा, एन ए पी ऐड, एस एल आई पी पी ई टी, स्लिप। तो आज हम सीखे कुछ ऐसे वर्ब हैं जो बेस फॉर्म में एंड में टी या पी आएंगे, और वो एक सिलेबल वाला वर्ड होगा, एक पद, तो आप उसमें एंड वाला लेटर को और एक बार लिखकर आईएनजी यूज करें, जैसे पैट पैटिंग, पुट पुटिंग,
sit, sitting, cut, cutting, clap, clapping, slip, slipping. और इंडियन में थोड़ा फर्क है, उसको ध्यान देना. पैट, पैटिंग, पास्टिंग, फुट, इसमें और इडी में है, वैसे ही रहे. पुट द पास पार्टिसिपल पुट. सिट, सैड, एस ए टी. कट, वैसे ही रहेगा पास पार्टिसिपल कट. क्लैप, और एक पी यूज होगा और ईडी यूज. क्लैप. स्लिप, और एक पी यूज होगा, ईडी यूज होगा. स्लिप. ठीक है, धन्यवाद.